भी आपके पास निज़ाम है, माशी तबाही है, महंगाई है। और इमरान खान ने एक बड़ी खुलकर बात की है कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों से नहीं, लेकिन इस मुल्क में इलेक्शन के लिए बात करने के लिए तैयार हूं। और ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका शेड्यूल मुझे उम्मीद है कि कल 2 सूबों का आ जाएगा, इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कौमी और सूबाई असम्बली के दोनों इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। शहबाज शरीफ ये असम्बली तोड़े, 72 घंटे में शहबाज शरीफ असम्बली तोड़े और सूबे और मरकज में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं। और अगर कोई अकल का अंधा ये समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 3 जजों का फैसला नहीं, ये 17 जजेस का फैसला है, सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और मैं राजा साहब को जानता हूं, राजा सिकंदर सुल्तान ने 3 साल मेरे साथ नीचे नहीं कहना चाहिए, रेलवे में काम किया है। मैं राजा सिकंदर सुल्तान को जमान पार्क से ये कहना चाहता हूं कि सुबह इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। और मैंने इमरान खान साहब से दरख्वास्त की है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आए उस वक्त आप, मेरा सूबे की सियासत से भाइयों कोई तल्लक नहीं है, मुझसे कोई ना ऐसा सवाल कीजिएगा। मैं एक सीट की कौमी सियासत करता हूं, हल्का कलम दवात के निशान पे। और मैं इमरान खान का साथी हूं मुश्किल के वक्त, और मैं इमरान खान के साथ इस बात का हामी हूं कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे किए जाएं। और इस मुल्क में जो कहत बर्पा होने जा रहा है, इस मुल्क में जो खाना जंगी का खतरा है, अगर आप ये समझते हैं कि एमरजेंसी लगा के मौलाना फजलुर रहमान साहब मुफ्ती महमूद के बेटे बनो, और मैं बिल्लो रानी को कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि बिल्लो रानी को बताना चाहता हूं कि 18 को मेरी पेशी है, 19, 20, 21 पांचों दिन इमरान खान ने मुझे लाहौर मीटिंग में बुला लिया है। 18 की मीटिंग में तो शायद मैं जा सकूं, बाकी चारों मुझे अगर जमानत एक दफा नहीं, जितनी दफा चाहते हो मंसूख कर दो। मेरा एक ही केस है, मैंने एक ही जुर्म किया है कि मैंने वही बात की है जो इमरान खान ने की है कि आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल करवाना चाहता है। और आज भी साम्राज्य की ताकतें ये चाहती हैं कि इस मुल्क को इमरान खान जैसा मकबूल और मजबूत लीडर न मिले, इसलिए उसकी जान के दुश्मन हैं। इसलिए बुध के रोज मैं उस ट्रक पे होऊंगा जिसमें इमरान खान होगा। देखें, बहुत अच्छा सवाल किया है। ओ कोई बेवकूफ, कम अकल, पागल होगा जो इमरान खान को गिरफ्तार करेगा। इमरान खान और ऊंचा हो जाएगा, इमरान खान और मकबूल हो जाएगा। जो इमरान खान को नायल करेगा, जो इमरान खान को जेल भेजेगा, नायल करेगा, वो इस मुल्क के इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान की जिंदगी से खेला जाए। इंशाअल्लाह बुध के दिन में इमरान खान के ट्रक पे नैब छोड़ के, जो 74 केसेस पहले हैं 100 बना दें। अल्लाह के बाद जिसके साथ आवाम हो वो नहीं हारा करता। मुझे नहीं पता, कोई बेवकूफ होगा, अहमक होगा, जाहिल होगा, उसका दिमाग खराब होगा जो इमरान खान को गिरफ्तार करेगा और इमरान खान को एक तारीखी मकबूलियत से नवाजेगा। लास्ट क्वेश्चन। कौन वादा किसका? हालात उनका बाप भी नहीं देख सकता, अगर हिम्मत है तो उनका भाई वजीर आजम है, पाकिस्तान आओ, वरना अल्लाह तुम्हें लाएगा, किस हाल में लाएगा ये अल्लाह को पता है।